आइए क्वेश्चन नंबर टू हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सब बच्चे को दिख रहा है, विजिबल है? स्क्रीन नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। आइए होप सो अब सभी बच्चों को विजिबल होगा स्क्रीन। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट MHR, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है? MHR, मशीन आवर रेट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है तो 12,000 है। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा कितना है बच्चों? 12,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चों? तो स्क्रैप वैल्यू है 500। ओके उसके बाद बच्चों वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ है 16,000 आवर्स। मशीन का वर्किंग लाइफ है बच्चों 16,000 आवर्स। फिर कह रहा है टाइम टेकन फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? तो 250 आवर्स जो है मेंटेनेंस टाइम है मशीन का, ये मेंटेनेंस टाइम है 250 आवर्स। ठीक है, टाइम फॉर सेटिंग, सेटिंग टाइम कितना लग रहा है? तो 5% लग रहा है। अच्छा पावर 20 यूनिट एट 10 पैसे पर यूनिट कंज्यूम हो रहा है। बच्चों याद करो मैंने आपको मशीन आवर में बताया था कि सबसे पहले आपको ट्राई करना बच्चों कि स्टैंडिंग चार्जेस को अलग कंसीडर करेंगे हम और जो वेरिएबल चार्जेस हैं वो अलग रिकॉर्ड होंगे। वेरिएबल चार्जेस में हमारा क्या क्या जाएगा बच्चों? वेरिएबल चार्जेस में हमारा जाएगा DSPR, डी फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों, एस फॉर स्टीम एंड वॉटर, पी फॉर पावर एंड आर फॉर रिपेयर। बोलिए बच्चों ये जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल। देखिए तो सर हम लोगों को अब इस सब चीजों को पहले अलग करना है। आते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितना लग रहा है हमारा? तो 1600 पर एनम। अच्छा वर्कर इंगेज्ड ऑन टू मशीन्स, बच्चों ध्यान दीजिएगा वर्कर्स इंगेज्ड ऑन टू मशीन, कितने वर्कर इंगेज्ड है बच्चों? तो दो वर्कर दो मशीन पर इंगेज्ड है। ओके वेजेस पर मैन, हर एक आदमी को हम लोग कितना वेजेस दे रहे हैं बच्चों? हर एक लेबर को 200 पर मंथ पे कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल्स पर मंथ 125। ओवरहेड चार्जेबल टू दिस मशीन बच्चों ये कितना लगेगा? तो 225 पर मंथ। तो देखिए बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 1% लग रहा है, तो इंश्योरेंस तो बच्चों कॉस्ट पर लगता है ना, कॉस्ट पर। आगे कहता है बच्चों कि प्रोडक्टिव वर्किंग आवर 2200 आवर्स है। लेकिन बच्चों एक चीज आप थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% हमारा सेटिंग टाइम जा रहा है। ये देखिए बच्चों 5% हमारा सेटिंग टाइम जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये खड़ा हुआ, ये जो 5% हमारा सेटिंग टाइम है, ये जो सेटिंग में हम लोग टाइम लगा रहे हैं, सेटिंग टाइम हमारा जो जाएगा, तो सर इसमें तो एक्चुअल वर्किंग आवर आया नहीं, तो सबसे पहले तो हमें एक्चुअल वर्किंग आवर पता करना होगा। बिल्कुल देखिए सबसे पहले बच्चे हम लोग वर्किंग नोट की तरफ जाएंगे। वर्किंग नोट में जाकर एक्चुअल वर्किंग आवर लेने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल वर्किंग आवर, तो एक्चुअल वर्किंग आवर कैसे आएगा बच्चों? प्रोडक्टिव वर्किंग आवर माइनस कर देंगे बच्चों सेटिंग अप टाइम, या टाइम फॉर सेटिंग जो है हमारा।
सेटिंग टाइम। बच्चों प्रोडक्टिव वर्किंग आवर जो है 2200 है, हम लोग 5% इसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों, तो 5% डिडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 का 5% हमारा होता है बच्चों लगभग 110। तो ये जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा बच्चों 2090 आवर्स। तो इससे एक चीज पता चल रहा है बच्चों कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है वो कितना है, 2090। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर है बच्चों 2090। तो हमें एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर कंसिडर करना है। तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर तो हमें पता चल ही रहा है कि भाई एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर क्या है, तो 2090। बोलिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत सर वो किसी 110 कहाँ से आया? सर बेटा? सेटिंग टाइम 5%, ये देखिए ना, 5% सेटिंग टाइम निकालिएगा, इसका 5% सेटिंग टाइम निकालेंगे ना बेटा, मशीन सेट होने में 5% लग रहा है। ओके जैसे सर देखिए जब हम लोग लेमिनेशन करवाने जाते हैं, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, तो वो जो लेमिनेटर मशीन होता है वो थोड़ा समय लेता है, जैसे उसका हीटर जब बच्चों गर्म होता है तभी वो लेमिनेट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, तो वो सेटिंग टाइम है। उसी तरीके से बच्चों बहुत सारे हैवी मशीन जो होते हैं उसमें सेटिंग टाइम लगता है, मशीन को रेडी करने में, सेट करने में, वर्किंग कंडीशन में लाने में तो समय लगता है। तो उन अब उसको तो आप कंसिडर नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि उसमें तो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ नहीं। तो ये जो 110 घंटा है वो तो सेटिंग टाइम में चला गया, उसमें एक्चुअली में वर्क हुआ ही नहीं बेटा, उसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है आपका। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर क्यों इंक्लूड करेंगे, सिंपल बात है ना, इसको इंक्लूड तो करेंगे नहीं हम। आगे चले बच्चे, कोई दिक्कत? आइए सर, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया बच्चे, हमें बेस पीरियड भी पता है, ध्यान दीजिए ये जो सारे इंफॉर्मेशन बच्चों ये 1 ईयर के हैं, तो बेस पीरियड हम लोग 1 ईयर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्किंग आवर है ये तो पर एनम है ना बेटा, ये देखो ना, तो ये जो वर्किंग आवर है ये तो 1 साल का है ना, ये वर्किंग आवर जो आप ले रहे हो ये ईयर का ले रहे हो, तो बेस पीरियड भी क्या होना चाहिए आपका, बेस पीरियड भी हमें लेना होगा 1 ईयर, बेस पीरियड भी हम लोग 1 ईयर लेंगे। फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले, आइए लॉन्ग क्वेश्चन के 2 में है बच्चों हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट हेडिंग दे दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन मशीन आवर रेट, बेस पीरियड क्या है बच्चे हमारा, आइए समझते हैं। बेस पीरियड हो गया हमारा 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर में वर्किंग आवर कितना आया बच्चे, हम लोगों ने वर्किंग आवर लाया अभी, हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था बच्चों, 2098। दो सौ चलिए 2090 आवर्स, ये हो गया बच्चों हमारा पार्टिकुलर्स। अमाउंट पर आवर, अमाउंट पर आवर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस हैं उसको लिखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस
सभी बच्चे बुक ओपन कीजिए, तो बुक ओपन कीजिए। देखिए स्टैंडिंग चार्ज में बच्चे सबसे पहले हमें चाहिए ओवरहेड, ठीक है, जो जो है आगे पीछे लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए बहुत कोई रिजिडिटी नहीं है। तो एक ओवरहेड दिख रहा है हमें बच्चों, देखो जरा ये जो ओवरहेड है हमारा, ये कह रहा है कि ₹225 पर मंथ। बच्चों जरा समझो, ₹225 पर मंथ लग रहा है। सबसे पहले हम इसको ईयर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक साल में अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 12 मंथ से, तो हमारा एक साल का फिगर आ जाएगा। गुड। और हम लोगों को पता है कि हमें 1 आवर का निकालना है बच्चों, हमें 1 घंटे का निकालना है। और बच्चों 1 घंटे का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल आवर्स से डिवाइड करना होगा, यानी ये 290 आवर्स। आइए बच्चों इसको पहले चेक करते हैं, 225 into 12 मंथ, ये हो गया बच्चों हमारा 2700। एक साल का ओवरहेड हो गया 2700। और बच्चों एक साल में लगभग हम लोग 2090 आवर्स काम किए हैं, मशीन को रन कराए, तो 1 घंटे का कितना हो गया बच्चों, पॉइंट में आएगा, ये आ रहा है बच्चों पॉइंट में 129.186। तो हम लोग अप्रोक्स में उठा लेते हैं बच्चों 1.29, ठीक है। तो ये बड़ा पॉइंट पॉइंट का खेल है, हो सकता है हमारा 1-2 पॉइंट वेरी करे, तो उसके लिए उतना हम लोग माइंड नहीं करेंगे। फिर आते हैं बच्चों इंश्योरेंस पे। अच्छा इंश्योरेंस में कह रहा है बच्चों कि 1% लगेगा। आपको पता है कि इंश्योरेंस तो कॉस्ट पर होता है, तो बच्चे जो एसेट्स का कॉस्ट है अगर हम बेटा उसका 1% निकाल लें तो हमारे इंश्योरेंस का चार्जेस पता हो जाएगा एक साल का। आपको पता है ना बच्चों, जैसे जैसे कॉस्ट डिटोरिएट करता है मशीन का, उसकी जो बुक वैल्यू है वो डिटोरिएट करती है, तो इंश्योरेंस भी कम होता है। जैसे बच्चों जब आपने पहले साल अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस चार्ज ज्यादा लगेगा, सेकेंड ईयर कम लगेगा, थर्ड ईयर कम लगेगा, क्योंकि उसका रिसेल वैल्यू गिरता है ना बच्चों, वो डिप्रिशिएट होती है, तो इंश्योरेंस भी कॉस्ट के साथ कम होता चला जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग बच्चे, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है 1%, ठीक है, वहां 1% का जिक्र है बच्चों, तो हम 1% ही लेंगे। तो कॉस्ट का 1% ले लेते हैं बच्चों, तो कॉस्ट कितना है हमारे पास देखिएगा आप लोग बच्चों, ये जो कॉस्ट है ये है 12,000, मशीन का कॉस्ट है 12,000, इसका 1% अगर हम लेते हैं बच्चों तो ये आता है हमारे पास 120 रुपीज। तो बच्चों ये 120 रुपीज तो एक साल का आ गया ना, हमें तो 1 घंटे का चाहिए बच्चों, तो एक साल में हम लोग लगभग 2090 आवर्स वर्क किए हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 2090 आवर्स, तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास कैलकुलेटर पे 0.0574। तो हम इसको अप्रोक्स में बच्चों मान लेते हैं 0.06, ठीक है, राउंड अप कर लेते हैं। फिर आते हैं बच्चों वेजेस पर। वेजेस पर देखिए बच्चे, वेजेस का सिनेरियो क्या है बच्चों, तो 200 पर मंथ वेजेस लग रहा है, हमें चाहिए कितने परसेंट का। अच्छा यहाँ थोड़ा समझना होगा बच्चों, वेज अच्छा पर मंथ मिल रहा है बच्चों, ठीक है, समझना क्या है, तो वेजेस 200 पर मंथ इनटू 12 मंथ। पहले हम लोग एक साल का वेजेस जान लेते हैं बच्चों, तो एक साल का वेजेस हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास हमको लगता है 2400। गुड। अच्छा बच्चों एक साल का 2400, 1 ईयर का 2400, और एक साल में 2090 आवर्स हम वर्क कर रहे हैं, तो 1 आवर का कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। आइए तो 2400 डिवाइडेड बाय 2090 आवर्स, तो बच्चों मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 1.148325, काफी लंबा फिगर है, हम इसको राउंड अप कर लेते हैं बच्चों 1.15। चलिए अब आते हैं बच्चों कि और कोई वेरिएबल, सॉरी और कोई स्टैंडिंग चार्जेस है बच्चों, ढूंढो,
मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ केमिकल केमिकल, चलो चलो ठीक है केमिकल। केमिकल अच्छा, केमिकल का सीन क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। बच्चों केमिकल में कह रहे हैं कि ₹125 पर मंथ लगेगा। तो सर ये जो हमारा केमिकल है 2500 पर मंथ लगेगा इनटू 12 मंथ कर लेते हैं, तो बच्चों हमें पहले 1 साल का पता हो जाएगा ठीक है। तो ये आ गया बच्चों ₹1500 और 1 साल में हमारा 2090 घंटा काम हो रहा है। तो 1 साल का कितना आएगा, आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों। तो 1500 डिवाइडेड बाय, तो ये बच्चों मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 0.7177। तो हम इसको राउंड अप कर लेते हैं बच्चों ठीक है, 0.72 कर लेते हैं अप्रोक्स। आप लोग भी क्रॉस चेक करते रहो। आते हैं बच्चों उसके बाद हम लोगों को लिखना है वेरिएबल के बारे में ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और वेरिएबल में क्या क्या था बच्चों, जैसा कि हम लोग को याद है बच्चों कि 4 चीजों को हमें वेरिएबल में लेना है ना। तो आते हैं बी पॉइंट, वेरिएबल चार्जेस। देखिए बच्चों सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिख रहा है हमें लोगों को है ना। चलो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को ढूंढ लिया बच्चों। तो कॉस्ट हम लोगों को दे रखा है बच्चों, कॉस्ट कितना दिया है 12,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चों, तो स्क्रैप वैल्यू है ₹500। स्क्रैप वैल्यू जो है वो है ₹500। तो स्क्रैप वैल्यू बच्चों हम लोगों को 500 दे दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों ये कह रहा है कि मशीन का जो पूरा लाइफ है, मतलब जो उसकी वर्किंग लाइफ है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, वो कितने आवर्स की है, तो 16,000 आवर्स। बच्चों तुम लोग भी चेक कर लो, 16,000 आवर्स मशीन की इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है। तो बच्चों जब मशीन का इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 16,000 आवर्स का है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या 1 घंटे का हमें नहीं आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो तो ये हो गया बच्चों 11,500 डिवाइडेड बाय 16,000। ये बच्चों हो रहा है 0.71875। बच्चों बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इसको राउंड अप कर लेते हैं अप्रोक्स में, इसको 0.72 ले लेते हैं ठीक है बच्चों। इतना बड़ा फिगर लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिपेयर पे। चलिए तो जब रिपेयर पे हम लोग बात करते हैं तो रिपेयर का सिनेरियो क्या है। रिपेयर का सिनेरियो है कि 16,000 पर एनम हम लोग पे कर रहे हैं। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 1600 है बच्चों, सॉरी मैंने गलत देख लिया। 1600 जो है पूरे ईयर का है बच्चों, पर एनम 1600 पर एनम है, पूरे साल का है बच्चों ₹1600। और हम लोगों को 1 घंटे का चाहिए और मशीन बच्चों 1 साल में 2090 आवर्स रन करती है। तो निकालते हैं बच्चों 1600 डिवाइडेड बाय 2090, 0.77। हाँ बच्चों 0.7655 आ रहा है, तो हम लोग अप्रोक्स चलते हैं अप्रोक्स में 0.77 अप्रोक्स। तो उसके बाद हाँ बेटा क्या हो गया सर, उमा का नहीं। आइए हम लोग बात कर रहे थे बच्चों रिपेयर पे, तो रिपेयर तो हो गया हमारा। उसके बाद पावर, सभी बच्चे क्वेश्चन देखिएगा पावर। देखिए पावर का सिनेरियो क्या है बच्चों, तो कह रहा है कि 20 यूनिट पर आवर लगेगा है ना बच्चों। चेक कर लो 20 यूनिट पर आवर का डिटेल है क्या, चेक तो करो। इनटू
टेन पैसे सर इसका डायरेक्ट निकाला हुआ है तो हम लिख देंगे इनटू टेन पैसे, तो हम मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना बच्चों, तो 20 यूनिट इनटू 10 पैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीस 2, ये 2 रुपए आ गए बच्चों। अब हम लोग इसको टोटल करते हैं बच्चों, चलिए अब आप लोग भी अपना कैलकुलेटर उठाइए और टोटल कीजिए, एम एच आर मशीन आवर रेट, और देखिए बच्चों कितना आता है क्या आता है, तो 1.29 प्लस 0.06 प्लस 1.15 प्लस 0.72 0.72 प्लस 0.72 प्लस 0.77 प्लस 2, बच्चों मेरी कैलकुलेटर पे आया 6.71, आप लोग भी चेक कीजिए 6.71 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। वेरी गुड, चलो तो आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, चलिए बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नहीं चीजें क्लियर? नहीं सर। अच्छा से घर पे पढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए सब लोग, कुछ बच्चे एकदम नहीं पढ़ते हैं, बस आराम करेंगे, खाएंगे और सोएंगे, ऐसे काम नहीं चलता बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आ जाओ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमें लगता है ना कि हम थोड़ा हिंट कर देंगे आप लोगों को, तो आप लोग बना दोगे इस क्वेश्चन को। आ जाइए, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूट एमएचआर मशीन आवर रेट, तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा कितना दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारा 7500। स्क्रैप वैल्यू भी है बेटा आपके पास? हाँ जी सर बिल्कुल, स्क्रैप वैल्यू भी हमें दिख ही रहा है, लाइफ सर वो भी विजिबल ही है कि मशीन की टोटल जो है लाइफ क्या है वो भी विजिबल है सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर ये भी विजिबल है कि मशीन के पूरे लाइफ पर क्या लगेगा, ये भी विजिबल है। अब एक पॉइंट ऑब्जर्व करना बच्चों, स्टैंडिंग चार्ज फॉर अ शॉप फॉर अ मंथ, ऑब्जर्व करना, स्टैंडिंग चार्ज फॉर 25 वर्किंग डेज, और जो वर्किंग आवर है वो पर डे का कितना है बच्चों 8 आवर्स, और 25 वर्किंग डेज शॉप चल रहा है और स्टैंडिंग चार्ज जो है 200 अपना लगा है, टोटल मशीन बच्चों टोटल मशीन कितने हैं अपने पास, टोटल मशीन 10 है, नहीं सर 8 है, वेट वेट वेट, ये फिगर आगे पीछे हम देख लिए क्या? 10 सर, 10 है ना? यस सर। ओके, मशीन इंश्योरेंस 2% लग रहा है ना, डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है सर अपना, टू परसेंट, ठीक है, चलिए लगता है इधर उधर कुछ दिख रहा है क्या। पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ रुपीज 50, टोटल मशीन 10 है, ओके। ये ऐसा आगे पीछे हो जाता है ना बच्चों कभी कभी कि पता ही नहीं चलता कौन सा फिगर कहाँ है, चलो ठीक है, तुम लोग ऐसे थोड़ा ध्यान देना इन केस हमसे थोड़ा मिस हो जाए डाटा इंफॉर्मेशन देखने में, ट्रांजेक्शन देखने में, तो तुम लोग देखते रहना, ध्यान देना। चलो सर एक बात बताइए, हमारे लिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चैलेंज है, वो ये कि सर पर डे हम लोग 8 आवर्स काम करते हैं, ठीक है, और जो ऑफिस है जो फैक्ट्री है वो 25 डेज ओपन रहता है, तो सर सबसे पहले क्यों ना हम लोग वर्किंग नोट में
क्यों ना बच्चे हम लोग वर्किंग नोट में जाकर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर। तो बच्चों ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान दो ना बच्चों, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो आपको दो मिनट में ये दिख जाएगा। चेक कीजिए बच्चों, देखिए सारा इंफॉर्मेशन आपके नजर के सामने है। सर 200 डिवाइडेड 10 कर देंगे। नहीं बेटा जी ऐसे थोड़े करेंगे। 25 डेज वेरी गुड, 25 डेज वर्क हो रहा है और पर डे 8 आवर्स पर डे काम हो रहा है, 8 आवर्स पर डे। तो आप सोचो बेटा कि हम लोग 25 दिन में कितना काम करेंगे फिर। तो 25 डेज इनटू 8 आवर, इसका मतलब बच्चों एक्चुअल वर्किंग आवर जो है वो 200 हो गया। सभी बच्चे समझ रहे हो? दीक्षा, प्रिया, मनुप्रिया, अजय, विश्वकर्मा, स्नेहा, दिवाकर, बोलो। यस सर। चलो तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है बच्चों कि बेस पीरियड भी हमें पता चल रहा है बच्चों। अब देखो कैसे, बेस पीरियड हो गया वन मंथ और ये जो वर्किंग आवर है ये भी वन मंथ का है। बच्चों जो हमने 200 आवर्स निकाला ये तो एक ही महीने का निकाला ना बच्चों, वन मंथ का निकाला। तो वर्किंग आवर भी वन मंथ, तो बेस पीरियड भी वन मंथ। ओके चलिए आइए अब हम लोग फॉर्मेट की तरफ चलते हैं थोड़े। हेडिंग देते हैं बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। चलो आप लोग भी शुरू करो, हम ही से सिर्फ काम करवाओगे। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, चलो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। आ जाइए बच्चों, बच्चों बेस पीरियड क्या दिया हुआ है हमारे पास? सर दिया हुआ नहीं है, ये हम लोग डिस्कशन से समझिए। बच्चों बेस पीरियड हम लोग लिख लेते हैं वन मंथ। अच्छा बच्चों इस वन मंथ में वर्किंग आवर 200 आवर्स। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो सर बेस पीरियड हमें वन मंथ मिल गया और वर्किंग आवर 200 आवर मिल गया। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। चलिए ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट पर आवर, ठीक है अमाउंट पर आवर। चलिए तो ये तो सर हम लोगों ने लिख लिया अमाउंट पर आवर। सर एग्जाम में इसी फॉर्मेट से बनाएंगे या फिर वो जो फॉर्मेट है लाइन ये करके? नहीं बेटा कोशिश तो हम करेंगे कि लाइन देंगे, वो मार्जिन देंगे, मार्जिन इसमें नहीं हो पाता है बेटा, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाता है टैब पर, ठीक है? ओके सर। हाँ इसलिए हम नहीं दे पाते हैं, ऐसे होता ही नहीं बच्चों, इधर उधर लाइन भाग जाएगा। तो सर अमाउंट वाले कॉलम में दो कॉलम होगा ना? हाँ हाँ आप दो कॉलम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में चले गए, स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस में गए बच्चे और सबसे पहले देखो हमें डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों कि स्टैंडिंग चार्जेस शॉप का 200 है, ठीक है आ जाओ। स्टैंडिंग चार्जेस जो है, स्टैंडिंग चार्जेस
₹200। अच्छा बच्चों तुम लोग ध्यान दिए कोच, ये जो शॉप है, ये जो दुकान है बच्चों, यहाँ टोटल मशीन 10 है, जबकि बच्चों हमें तो एक मशीन का चाहिए ना बच्चे, हम लोगों को तो एक मशीन का चाहिए, तो पहले हम इससे 10 मशीन से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोगों को एक मशीन का पता हो जाए वैल्यू। ओके, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 10 मशीन से। अब जब हम 10 मशीन से डिवाइड करेंगे बच्चों तो एक मशीन का आ जाएगा, ये एक मशीन का आ जाएगा, और टोटल वर्किंग आवर हमारे पास कितना है बच्चों, टोटल वर्किंग आवर हमारे पास 200 आवर्स है ना, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा लगभग हमारा बच्चों 0.10। चेक कर लो आप लोग, ध्यान देना बच्चों, हमारे पास 10 मशीन है ना। चलो वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ बच्चों हमारे पास टोटल 10 मशीन है बच्चे, और बेटा जी हमें एक मशीन का निकालना है, हम लोगों को सिंगल मशीन का निकालना है, हम लोग MHR पढ़ रहे हैं ना, मशीन आवर रेट पढ़ रहे हैं, मशीन आवर रेट नहीं पढ़ रहे हैं, मशीन सिंगल। फिर आते हैं उसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या दे रहा है चेक करना बच्चों, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बच्चों कह रहा है कि आप मशीन का जो सॉरी डेप्रिसिएशन का 2% ले लेना। तो बच्चों हम लोग वेट करते हैं, डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे ना तो लिख देंगे। ओके, अभी मूव करते हैं आगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस, तो फिर आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल पे। वेरिएबल चार्जेस, चलो बच्चों तो देखो वेरिएबल चार्जेस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बच्चों। हाँ जी सर, मशीन का कॉस्ट है 7500, माइनस कर लिए हम लोग स्क्रैप वैल्यू 500 बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो बच्चों मशीन का जो वर्किंग लाइफ है वो मशीन का पूरा वर्किंग लाइफ 14000 आवर्स। स्क्रीन नहीं आ रहा है, 14000 आवर्स है। चलिए तो डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। तो डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 7000 हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 14000 आवर्स। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन 0.5। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं रिपेयर पे। रिपेयर, तो रिपेयर हमारा कितना लग रहा है बच्चों, तो रिपेयर हमारा 3500 लग रहा है। अच्छा ये भी पूरे लाइफ पर, मशीन के पूरे लाइफ पर, और मशीन का जो पूरा लाइफ है वो कितने आवर्स का है बच्चों, तो 14000 आवर्स का है। तो अगर हम डिवाइड कर ले 3500 डिवाइडेड बाय 14000, तो एक आवर्स का हमारा हो जाता है 0.25। गुड, उसके बाद बच्चे हम लोग चलते हैं पावर की तरफ। पावर, तो देखिए पावर कंजम्पशन का सीन क्या है बच्चों। पावर कंजम्पशन में हम लोगों को कह रहा था ₹50 ना। वापस ऊपर से बताइए, वीडियो रुका हुआ था। उसके बाद बच्चों पावर पे आते हैं। सबसे पहले देखिए पावर पे क्या कह रहा है, पावर पे कह रहा है हमारा ₹50। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वर्किंग आवर तुम्हारा कितना है एक महीने का, 200 आवर्स। तो एक घंटे का 1 आवर का क्या हो गया हमारा, 0.25। बताते हैं बेटा, वेट करो बताते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस में क्या बोला है बच्चों, डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट लेना है हमें, डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट लेना है, 2% ना। तो 0.5 का हमें 2% लेना होगा बच्चों, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो भी पर आवर है और इंश्योरेंस भी हमें पर आवर ही जानना है। तो 0.5 × 2%, तो ये हो गया बच्चों हमारा 0.01। चलो बोलो बेटा किस बच्चे का छूट गया, कहां से बताना है फिर से। सर ऊपर से स्टैंडिंग चार्जेस से। बेटा स्टैंडिंग चार्जेस में कह रहा है कि 200 पर मंथ लगा है,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा, क्वेश्चन तो देखा होगा, 200 पर मंथ लगा है। अच्छा ऑब्जर्व कीजिए आप, आपके पास टोटल मशीन कितना है, 10 मशीन है, हमें तो एक मशीन का चाहिए ना बेटा, सिंगल मशीन का चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल मशीन से डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 मशीन से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल मशीन आ जाएगा हमारे पास, ओके, मतलब वन मशीन का आ गया। अब एक मशीन का तो आ गया आपके पास 20 रुपया, आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा, तो ये 20 रुपीज तो वन मंथ का है ना बेटा, आपको चाहिए वन मंथ का नहीं, वन आवर का, तो एक महीने में 200 घंटा हम लोग काम किए, डिवाइड कर दिए, ओके। इंश्योरेंस में क्या बोल रहा है, 2% डेप्रिसिएशन का 2% ले लेना है, तो डेप्रिसिएशन तो इजी है बेटा, कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दे दिया है, और मशीन का लाइफ है, वर्किंग लाइफ 14,000 आवर्स, तो बेटा हमने डिवाइड कर दिया 14,000 आवर्स से, हमारे 1 आवर के जो होते हैं चार्जेस वो निकल गए। बोलिए और कहां प्रॉब्लम है, और कहां प्रॉब्लम है सर, इंश्योरेंस में 0.5 से 2 को जो इनटू किया वो कैसे हुआ है? बेटा वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, 2% लिखा हुआ है, अब बुक ओपन करो ना, 2% तो अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है ना, कि कैसे वो 0.5 इंश्योरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन का 2% है ना, तो डेप्रिसिएशन आप कितना लाई हो, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 0.5 लाया है ना, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 0.5 लाया है, तो इसका 2% ले लेंगे, ये डेप्रिसिएशन का हमें 2% चाहिए। अच्छा मतलब पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिर इंश्योरेंस, बेटा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का 2%, तो बिना डेप्रिसिएशन निकाले आप कैसे निकाल पाओगे, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। चलो बच्चों इसको टोटल करो, MHR मशीन आवर रेट, टोटल कीजिए 1.11 आ रहा, क्या आ रहा है बेटा, 1.11, अच्छा 1.11 आ रहा है, चलो ठीक है, ओके आ जाइए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग सभी लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में हम आप लोग को हिंट करके और वेट करेंगे, देखते हैं आप लोग इस बार कितना बनाते हो, अच्छे बच्चे के जैसा, आ जाओ बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट MHR, एक मिनट रुकना, आइए बच्चों तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, बोलो बच्चों कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है बच्चों, 28,700, वेरी गुड 28,700, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस बच्चों दिया हुआ है हमारा 300। अच्छा एक चीज समझना बच्चों, इस मशीन को पुट टू यूज कंडीशन में लाने के लिए 300 लग गया, आपको याद होगा बच्चे मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को हमें कैपिटलाइज कर देना है, मतलब ऐड कर देना होगा, किसमें ऐड कर देना होगा, मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देना होगा, चलिए तो इसका मतलब बच्चों ये मशीन का कॉस्ट हो गया 28,700 प्लस 300 हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। अच्छा ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू मतलब बच्चों एक तरह का स्क्रैप वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू को हम लोग ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं, तो सर स्क्रैप वैल्यू भी आपको दे दिया है 500, आप माइनस कर लो आपको मशीन का एग्जैक्ट कॉस्ट पता हो जाएगा, मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है 10 इयर्स। अब आते हैं हम लोग रेंट ऑफ शॉप,
शॉप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक साल का हमारा कितना लग रहा है, 6,000 पर एनम। एक साल 6,000 पर एनम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन, मशीन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, 10%। तो एक बात बताओ बच्चों, पूरा रेंट तो हम मशीन पे चार्ज करेंगे नहीं, हमें उसका 10% ही लेना पड़ेगा ना। पूरा में तो हमने मशीन रखा नहीं पूरे स्पेस में। इंश्योरेंस हमारा कितना है बच्चों, तो इंश्योरेंस हमारा है ₹450। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना लगा है बच्चों, 2000। लेकिन मशीन पे कितना लग रहा है, सिर्फ 25%। मशीन पे कितना लग रहा है, तो सिर्फ 25%। पावर यूज्ड कितना पावर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 800 पर एनम। आगे देखिए बच्चों, 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अपना कितना है, तो 5000 है। ओके अच्छा, वर्किंग डे इन अ ईयर कितना बच्चों, तो 250 डेज। वर्किंग आवर पर डे, पर डे वर्किंग आवर अपना कितना है बच्चों, 8 आवर्स। और आइडियल टाइम कितना है, आइडियल मतलब खाली टाइम, बेकार टाइम 20%। मतलब बच्चों इस 20% में काम नहीं हुआ। अब देखो, सबसे पहले तो आपको वर्किंग आवर निकालना पड़ेगा, बिना वर्किंग आवर निकाले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले हम लोग वर्किंग आवर निकालते हैं बच्चों। ये देखो, वर्किंग नोट पर चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं हम लोग वर्किंग आवर। क्वेश्चन 4 में है हम लोग बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर। आ जाओ, तो सिनेरियो क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टोटल आवर वर्क्ड। भाई हम लोग टोटल काम कितना किए, टोटल आवर्स वर्क्ड। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हम लोग यहाँ 250 डेज, हमारे प्रमाइसेस में 250 डेज काम हुआ, 8 आवर्स पर डे। टोटल कितना होता है, 2000 आवर्स होगा। हाँ जी सर बिल्कुल। आइडियल टाइम कितना है इसमें, आइडियल टाइम है बच्चों 20%। मतलब बच्चों 20% जो आइडियल टाइम है, इसमें काम नहीं हुआ है। आइडियल मतलब आप समझते हो खाली लीजर पीरियड है, बेकार टाइम है, उसमें वर्क ही नहीं हुआ है। तो 400 आवर्स काम नहीं हुआ बच्चों। एक बात बताओ बेटा, एक्चुअल वर्किंग आवर के पास, यानी एग्जैक्टली कितना काम हुआ हमारे प्रमिसेस में, बोलो। जया बेटा काम कितना हुआ था, वेरी गुड, 1600। ओके सर एक बात बताइए, इस क्वेश्चन और जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो 250 डेज लिए आप एक साल कर लिए बिल्कुल, तो सर इसका मतलब ये जो 1600 आवर है ये तो पूरे एक साल का है, तो सर बेस पीरियड क्या हुआ यहाँ। अरे बच्चे बेस पीरियड 1 ईयर हुआ यार, समझे बच्चों, बेस पीरियड 1 ईयर हो गया बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेस पीरियड 1 ईयर हो गया बेटा। अच्छा सर इसका मतलब हमें बेस पीरियड भी पता हो गया और हमें एक साल का वर्किंग आवर। हाँ जी, तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ फटाफट, कंप्यूटेशन ऑफ MHR। कंप्यूटेशन
computation of MHR. मशीन आवर रेट. बच्चों बेस पीरियड क्या निकाला हम लोगों ने? बेटा जी बोलिए. वन ईयर. वेरी गुड, वन ईयर. और बच्चों इस वन ईयर में हमारा वर्किंग आवर मशीन्स का फैक्ट्री का कितना रहा? 1600. वेरी गुड. चलो ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स. अमाउंट पर आवर, आ जाइए. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेंट पर. तो स्टैंडिंग चार्ज पहले लिख देते हैं. स्टैंडिंग चार्जेस आते हैं रेंट पर. रेंट, तो रेंट हमारा क्या लग रहा है बच्चों? रेंट हम लोग टोटल 6000 पे कर रहे हैं. वेरी गुड. अच्छा ये जो 6000 हम लोगों ने रेंट पे किया है, पूरा पे तो हम लोगों का स्पेस है नहीं बच्चों, 10% है एरिया. तो हम लोगों ने 10% एक्वायर किया है ना, तो रेंट भी तो हमारे हिस्से में 10% आना चाहिए बच्चों. उसके बाद एक साल में हम लोग 1600 आवर्स वर्क करते हैं, तो एक घंटे का कितना हो गया? निकालो जल्दी. 0.38. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस. चलिए इंश्योरेंस पर. तो इंश्योरेंस में बच्चों सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 500 जो है, एक मिनट, हम लोगों ने इंश्योरेंस का कितना पे किया था? 450 ना, सॉरी. इंश्योरेंस में बच्चों हम लोगों ने 450 पर एनम पे किया. तो भाई पर आवर इंश्योरेंस चार्जेस कितना लग रहा है? 0.28. आते हैं उसके बाद. फिर बच्चों हमारे पास रिपेयर है. रिपेयर तो वेरिएबल में जाएगा. रेंट तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है. हाँ, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस. हाँ, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस. अब सुनना बच्चों, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का मैटर ये है कि टोटल लगा है 5000, लेकिन हम लोगों मशीन पे सिर्फ 20% ही गया है. तो जब हम 20% निकालेंगे तो ये तो हमारे पास एक साल का आ जाएगा, लेकिन हमें जो है एक घंटे का चाहिए. तो क्यों ना हम लोग इसको 1600 आवर्स से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 0.63. चलो फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों वेरिएबल चार्जेस पर. वेरिएबल चार्जेस, चलिए. तो वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन में मशीन का कॉस्ट देखिए 28,700 था. हाँ जी, इसमें 300 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जोड़ दिए, और जो ब्रेकअप वैल्यू है जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं वो माइनस कर लिए. और मशीन का टोटल लाइफ देखो तो बच्चों कितने आवर्स का है? 10 इयर्स. अच्छा 10 इयर्स. तो बच्चों जब हम लोग 10 इयर्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमें एक ही साल का आएगा, और जबकि हमें चाहिए एक घंटे का. तो फिर हमें डिवाइड करना होगा 1600 आवर्स से. ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1.78. 1.78 ना. 1.8 लिख लेंगे ना.
रिपेयर, रिपेयर में कितना लग रहा है बच्चों? हम लोग रिपेयर पे टोटल 2000 पे किए हैं, इसका ले लेते हैं 25%। तो बच्चों ये जो 25% लग रहा है ये तो एक साल का आएगा ना बच्चों, कितने दिन का आएगा? एक साल का आएगा, जबकि हमें चाहिए एक घंटे का। 0.31, चलिए 0.31। उसके बाद हम लोग आते हैं पावर पर। पावर, पावर पे टोटल लगा है 800। ये हो गया बच्चों हमारे पास 0.5। ये आ गया MHR, मशीन आवर रेट। चलिए जोड़िए तो बच्चों टोटल कितना हुआ? 3.88। चलो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। देखो बच्चों फाइव नंबर में ना थोड़ा हॉलिडे पे ध्यान देना कि दो, मतलब दिवाली के लिए 2 दिन छुट्टी मिल रहा है, होली के लिए 2 दिन छुट्टी मिल रहा है, क्रिसमस के लिए 2 दिन छुट्टी मिल रहा है, तो थोड़ा सा छुट्टी पे जो हॉलिडे है उस पर थोड़ा सा अटेंशन देना।